अस्सलामु अलैकुम। कराची में एक और लर्जाखेज़ वारदात। डाकुओं ने मुजाहिमत पर बेटे को बाप के सामने गोली मार दी। शहर में कोहराम मच गया। खवातीन शिद्दत गम से निढाल हो गईं। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में डाकू राज। एक और नौजवान को डाकुओं ने मुजाहिमत पर बाप के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कोरंगी 5 नंबर मार्केट में डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहिमत पर वालिद के सामने बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग से वालिद समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वाकये के बाद मौके पर मौजूद आवाम ने ताकुब के बाद एक डकैत को पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया। मकतूल की शनाख्त 22 साल अजहर के नाम से हुई, जबकि जख्मी वालिद की शनाख्त 50 साल मसूद और 25 साल राहगीर उसामा के नाम से हुई। वाकई की इतला मकतूल के अहले खाना को मिली तो कोहराम मच गया और खवातीन शिद्दत गम से निढाल हो गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मकतूल अजहर उसी इलाके का रिहायशी बताया जाता है। वारदात के बाद फरार होने वाले एक डकैत को मौके पर मौजूद आवाम ने ताकुब के बाद पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया।